नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता मिश्रा। स्वागत है आपका वेक अप इंडिया के दिन भर के देश और दुनिया की जरूरी खबरों में। पर उससे पहले आज के हेडलाइंस। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने बुधवार को कहा है कि ये आरोप गलत है कि हमने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने में देरी की। उन्होंने कहा कि छात्र वापसी को तैयार नहीं थे क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लास के लिए तैयार नहीं थी। बकौल मुरलीधर, हमने 24 फरवरी से पहले छात्रों को यूक्रेन छोड़ने के लिए अपनी पहली एडवाइजरी जारी की थी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा में एनडीआरएफ भी शामिल हो गया है। गृह मंत्री के मुताबिक एनडीआरएफ ने यूक्रेन में भारतीय छात्रों के लिए कंबल, स्लीपिंग मैट, अन्य राहत सामग्री भेजी है। बकौल मंत्रालय, राहत सामग्री बुधवार सुबह भारतीय वायुसेना की एक उड़ान के जरिए भेजी गई है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को भारतीयों के लिए दूसरी एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि खार्किव में खराब होती स्थिति को देखते हुए तुरंत खार्किव छोड़कर पोसोचीन, बबाए और बेजलुदोवका की तरफ बस, रेल या अन्य वाहन से निकल जाएं। बकौल एडवाइजरी, जिन्हें वाहन नहीं मिल रहे हैं वे पैदल ही इन क्षेत्रों की तरफ निकल जाएं। यूक्रेन के अनुरोध करने पर भारत ने बुधवार को पोलैंड और रोमानिया के रास्ते यूक्रेन को मानवीय सहायता की 3 खेप भेजी। इन खेपों में 200 टेंट, 5000 कम्बल, 250 सोलर लैंप और 250 स्लीपिंग मैट शामिल हैं। वहीं 167 कम्बल, 190 टेंट, 500 सोलर लैंप, 500 सर्जिकल दस्तानों को शिपमेंट के लिए पैक करके रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह लोगों को बिना कोविड-19 टीकाकरण मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति नहीं देंगी। इस मामले में पिछले महीने हाईकोर्ट ने सरकार से नए सिरे से शुरुआत करने को कहा था। बकौल हाईकोर्ट, मुंबई में लगभग सभी गतिविधियां महामारी के पूर्व की तरह हो रही है। केंद्र सरकार ने केरल हाईकोर्ट को बताया है कि यूक्रेन संकट में फंसे छात्रों सहित अनुमानित 20,000 भारतीयों में से 60% ने यूक्रेन की सीमा पार कर ली है। सरकार ने कहा है कि स्थिति में सुधार होते ही खार्किव से छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा। बकौल सरकार, 16 से 23 फरवरी के बीच 4,000 भारतीय भारत लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा है कि दुनिया में बन रही नई व्यवस्थाओं को देखते हुए भारत का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। उन्होंने मेक इन अमेरिका पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस साल के बजट में उन चीजों पर बल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ स्थित मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार यादव ने स्कूल में अनुशासनहीनता का हवाला देकर 84 छात्रों के बाल काट दिए। बकौल खबरों के मुताबिक बच्चों से कई बार छोटे बाल रखने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। इसके बाद सोमवार को प्रिंसिपल ने खुद ही बच्चों के बाल काट दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी बहू को संयुक्त घर में रहने का अधिकार नहीं है और उसे ससुराल के बुजुर्ग लोगों की ओर से बेदखल किया जा सकता है। बकौल हाईकोर्ट, एक संयुक्त घर के मामले में संबंधित संपत्ति के मालिक पर अपनी बहू को बेदखल करने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव में वोटिंग से भारत के परहेज को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस ने स्पष्टीकरण जारी किया है। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने थरूर के बयान को निजी बताते हुए कहा कि कड़ी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। थरूर ने भारत की अनुपस्थिति को गलत बताया था। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एलपीजी के दाम एक बार फिर बढ़ाकर मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि आम जनता की तकलीफों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। राहुल ने आगे लिखा कि आज एलपीजी, कल पेट्रोल, डीजल। दरअसल मंगलवार को एलपीजी के दाम में 105 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
यूक्रेन में भारतीय दूतावास द्वारा ताजा एडवाइजरी में सभी भारतीयों से तत्काल कीव छोड़ने को कहने पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जिंदगी और मौत के बीच हजारों भारतीयों को सहायता के बजाय केवल आत्मनिर्भर सलाह। सुरजेवाला ने आगे लिखा है कि बीते 5 दिनों से यूक्रेन में मोदी सरकार हजारों बच्चों को बस यहाँ से वहाँ भगा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा है कि वह तब तक राज्य का बजट सत्र नहीं होने देंगे जब तक कि एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देते। राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और 1993 के सीरियल धमाकों के दोषियों के साथ कथित संबंधों और भूमि सौदों को लेकर बीजेपी मलिक का इस्तीफा मांग रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यूक्रेन संकट के बीच सोमवार को कहा है कि विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले 90% छात्र वे हैं जो भारत में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में फेल होते हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार यूक्रेन गए भारतीय छात्रों में सिर्फ कमियां ढूंढ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संकटग्रस्त यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को कहा है कि बीजेपी सरकार की ढिलाई की वजह से आज एक परिवार ने अपना बच्चा खोया है। अखिलेश ने आगे लिखा कि जनता सब देख रही है, मंत्रियों के पास चुनाव के प्रचार करने का समय है लेकिन भारतीयों को बचाने का नहीं। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 5 चरणों में उनकी पार्टी पहले ही 2 शतक लगा चुकी है। अखिलेश ने एक रैली में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की हमारी घोषणा ने बीजेपी को क्लूलेस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग अब बीजेपी के झूठ से तंग आ चुके हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मंगलवार को हमला हुआ जिससे कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौर्य ने इस हमले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि यह हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है और सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा ही बेमानी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉबर्ट्सगंज में एक रैली में बुधवार को कहा है कि वह रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हजारों नागरिकों को भारत वापस लाया गया है। इस मिशन में तेजी लाने के लिए भारत ने 4 मंत्रियों को वहाँ भेजा है। देश और दुनिया की सभी जरूरी खबरों के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।